हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आइए जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड लेवल ज़ीरो से। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा एक ही है। जी नहीं, जावास्क्रिप्ट और जावा बिल्कुल दो अलग अलग लैंग्वेज हैं। उनका डिज़ाइन अलग है, उनकी फंक्शनिंग अलग है। ओके, जावास्क्रिप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब के लिए है, वेब हो गई हमारी और एचटीएमएल के लिए। ओके, और ये बहुत इजी है लर्न करना और ये सिंगल थ्रेड पे बेस्ड है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये बस इंट्रोडक्शन है तो मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस ये बताऊँगा कि जावास्क्रिप्ट हमारा क्या क्या कर सकता है हमारे HTML पेज पे। और जावास्क्रिप्ट सबसे पहले है क्या ये देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ फुल फ्लेज्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट व्हेन अप्लाइड टू एन HTML डॉक्यूमेंट कैन प्रोवाइड डायनेमिक इंटरैक्टिविटी ऑन वेबसाइट्स। इट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रैंडन एच, कोफाउंडर ऑफ द मोजिला प्रोजेक्ट, मोजिला फाउंडेशन एंड द मोजिला कॉर्पोरेशन। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज में डायनामिक इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। इंटरेक्टिविटी से हम क्या समझते हैं, इंटरेक्टिविटी मतलब यूज़र अपनी वेबसाइट के साथ इंटरफेस कर सकता है, मतलब उसके अंदर उसको एक यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कि हम ब्लॉग्स में देखते हैं, ब्लॉग्स में क्या होता है, हम बस रीड करते रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसके अंदर नए नए फीचर्स डाल सकते हैं ताकि जो यूज़र है वो खुद इंटरेक्ट कर सके वेबसाइट से। ओके, सो इसके लिए अब सबसे पहली बात, जैसे कि CSS में हमने पढ़ा था, तो CSS में क्या होता है, एक तो हमारी होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इसके अंदर भी सेम यही चीज़ होती है, इसके अंदर हमारे टैग, उसके अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते थे, स्टाइल टैग यूज़ करते थे। इसमें हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट टैग। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम अपना कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखें, या हम अपना कोड अलग से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लें और उसको उसके साथ लिंक करा लें। तो जैसा कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है हमारी, कि हम उसको लिंक करा दें। तो जैसे कि हमने लिखा, यहाँ पर लिखते थे हम src इज इक्वल टू, मैंने अपनी फाइल का नाम रखा है demo.js। ओके, अब एक और चीज़ कि अब इस जो ये हम फाइल डालते हैं या जावास्क्रिप्ट का कोड जो डालते हैं वो हम कहाँ डालें, ये हम डालते हैं अपने बॉटम ऑफ द वेब पेज पे, मतलब जहाँ पे हमारा बॉडी हमारी जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है जस्ट उसके ऊपर डालते हैं। क्यों डालते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कर क्या कर सकता है। जावास्क्रिप्ट हमारा क्या कर सकता है, एक तो आपके HTML का कंटेंट चेंज कर सकता है, HTML के स्टाइल प्रॉपर्टीज, मतलब स्टाइल हो गया, CSS के जितने भी स्टाइल रूल्स हैं उन सबको चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट की मदद से, और किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकता है या डिस्प्ले कर सकता है। आइए आज हम यही देखेंगे ये कैसे करता है, क्या करता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक H1 टैग बना लेते हैं। H1 टैग को हमने क्या लिख दिया, माई वर्ल्ड। ओके ओके, सो अब ये डेमो है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हम वेयर क्या कर रहे हैं, वेयर माय हेडिंग इज इक्वल टू। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो माय हेडिंग नाम का हमने एक वेरिएबल यूज़ किया। अब जैसा कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, हमें हर किसी तरीके का मतलब डेटा टाइप चाहिए होते हैं, ये जो स्ट्रिंग का है उसके लिए हम कैर यूज़ करते हैं या जो इंट का है उसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, इन सब के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं। ओके, वेयर माय हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसके अंदर डाल देते हैं H1, क्योंकि हमें H1 टैग को सिलेक्ट करना है, H1 एलिमेंट को, तो इसलिए हमने H1 डाल दिया। अब क्या होगा, जो हमारी माई हेडिंग है
माई हेडिंग के अंदर हमारे H1 का रेफरेंस आ गया है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, माई हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करके हम कर देंगे जावास्क्रिप्ट। ओके तो आइए देखते हैं, देखिए देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। अब अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, माय वर्ल्ड आ गया। अब देखिए, अब हमने अपना ये जो स्क्रिप्ट टैग लगाया था वो हमने कहाँ लगाया था, एकदम बॉटम पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बॉटम पे क्यों लगाया। अब अगर हम इसको ऊपर लगाते हैं, ये देखिए माय वर्ल्ड चेंज नहीं हुआ, सॉरी ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, माई हेडिंग इज नल। अब यहाँ पे नल क्यों आ रहा है, यहाँ पे नल हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हमारा कोई वेब पेज लोड होता है तो वो सिस्टमेटिक लोड होता है, मतलब जो पहले आएगा वो उसको पहले लोड करता रहेगा। अब हमने अपनी स्क्रिप्ट टैग को हमने पहले लगा दिया तो भाई जो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी ये पहले डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ही डाउनलोड हुई तो उसने इसको इनिशिएट कर दिया, इसको कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने देखा कि यहाँ पे माय हेडिंग में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1, लेकिन अभी तक हमारे जो फ्लो है वो हमारे पास यहाँ तक फाइल डाउनलोड हुई है, लेकिन H1 तो हमारा इसके बाद है तो उसको H1 मिल ही नहीं रहा। वो इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि माय हेडिंग इज नल, क्योंकि H1 के अंदर हमारा कुछ है ही नहीं इसलिए वो नल दिखा रहा है। अब अगर हम इसी चीज़ को नीचे करेंगे तो अब हमारे पास H1 है, H1 की वैल्यू भी है। अब ये जब डाउनलोड होगी तो अब इसके अंदर जब जाएगी तो H1 से माई हेडिंग में इसका वो मिल गया सेलेक्टर से जैसे उसको रेफरेंस मिलेगा तो माई हेडिंग टेक्स्ट कंटेंट क्या कर देगा, उसको जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड कर देगा। ये देखिए हो गया जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। तो इसलिए हमेशा हम जब भी कोई अपनी जावास्क्रिप्ट का कंटेंट रखते हैं वो एट द बॉटम ऑफ द वेब पेज रखते हैं। ओके यही लिखा हुआ है, द रीज़न वी हैव पुट द स्क्रिप्ट एलिमेंट नियर द बॉटम ऑफ द HTML फाइल इज दैट HTML इज लोडेड बाय द ब्राउजर इन द ऑर्डर इट अपीयर्स इन द फाइल। मतलब फाइल में वो जिस ऑर्डर में अपीयर होती है वो उसी ऑर्डर में लोड होती है। इफ़ द जावास्क्रिप्ट इज लोडेड फर्स्ट, अगर जावास्क्रिप्ट हमारी पहले लोड होती है तो क्या करता है कि HTML जो उसके नीचे होता है वो उसको इफेक्ट करता है और वो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML से पहले लोड हो गई तो और उसको फिर वो जो HTML टैग जिसके ऊपर उसको वर्क करना है वो उसको टैग मिलेगा ही नहीं, इसलिए जावास्क्रिप्ट हमारी काम ही नहीं करती। देयरफॉर पुटिंग जावास्क्रिप्ट नियर द बॉटम ऑफ द वेब पेज इज़ ऑफन द बेस्ट स्ट्रेटजी। ओके तो अब मैंने आपको दिखाया कि जावास्क्रिप्ट कैसे हमारा HTML कंटेंट को चेंज कर देता है। ओके क्योंकि मैंने यहाँ पे था हमारा माय वर्ल्ड, मैंने इसको कैसे चेंज कर दिया टेक्स्ट कंटेंट से जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। ओके तो आइए एक ये तो नंबर था हमारा कि हम सेलेक्टर को पकड़ते हैं। एक आते हैं हम इसको इसी का ही एक लेते हैं p.name। So, अबे पूरा आइडिया ये आ गया हमारा। आइए अब हमारी एक चीज और होती है कि डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें हमने क्या किया नेम डॉट, एक होती है हमारी इनर HTML। इनर HTML भी सेम काम करती है, क्या करती है टेक्स्ट को चेंज कर देती है या HTML के कंटेंट को चेंज कर देती है। इसको हम क्या लिखेंगे
न्यू टेक्स्ट। ये देखिए चेंज हो गया न्यू टेक्स्ट, क्योंकि इसने क्या किया, उसने हमारे एलिमेंट को आईडी से पकड़ा कि इस वेब पेज में जिसकी भी आईडी नेम होगी उसके कंटेंट को वो क्या कर देगा, न्यू टेक्स्ट कर देगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा चेंज द एचटीएमएल कंटेंट। अब हम स्टाइल को चेंज करते हैं। स्टाइल कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। अब इनर एचटीएमएल की जगह हम स्टाइल डॉट स्टाइल लगा दिया तो उससे वो हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इसका, चलिए कलर चेंज करके देखते हैं। कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया, ये देखिए रेड हो गया यहाँ पे इसका कलर। अब आपको देखते हैं ब्लू करके देंगे, ब्लू हो गया। ऐसे आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, तो अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें अब कोई भी हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट को हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी बहुत कम आती है, तो आइए इसको देखते हैं। चलिए पहले यहाँ पे दो बटन बना लेते हैं, बटन हाइड द पैराग्राफ होता है। चलिए अब एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन डिक्लेयर करना बड़ा आसान है इसमें, जैसे वेयर हाइट। हम जब भी कोई जावास्क्रिप्ट में हम हमेशा कैमल केसिंग यूज़ करते हैं। कैमल केसिंग क्या होती है हमारी, कि जब भी हमारा कोई हम वेरिएबल लेते हैं उसमें क्या करते हैं, पहला लेटर हम हमेशा स्मॉल लेते हैं, उसके बाद अगर कोई वर्ड चेंज करना होता है जैसे हाइड मी, मी अलग वर्ड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस नहीं डालेंगे, एम को हम कैपिटल कर देते हैं। ओके, तो इस ये होती है हमारी कैमल केसिंग। जैसे हमने मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, माय हेडिंग, तो माय हेडिंग अलग अलग है इसलिए माय स्मॉल में और एच कैपिटल। ओके, माय हेडिंग इज इक्वल टू फंक्शन उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट स्टाइल डॉट। मैं आपको अपनी CSS की डिस्प्ले वाली वीडियो में बताया था कि हम किसी भी चीज़ को अगर हमें छुपाना होता है तो हम उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। बस हम यहाँ पे वही चीज़ करने वाले हैं, बस जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब हमने एक फंक्शन बना लिया हाइड मी का नाम का, जो क्या करेगा, जैसे ही ये कॉल होगा उसका ये क्या करेगा, हमारे नेम आईडी को क्या कर देगा, नल कर देगा। सिमिलरली हम एक शोमी नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्टाइल इसका वापस से ब्लॉक कर देंगे। ओके, तो बटन के अंदर अभी जो हमारा बटन टैग होता है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक, कि ये जब इवेंट इसमें मतलब अगर इस बटन पर क्लिक होगा तो वो क्या करेगा। अब हम ये हाइड का है तो हाइड मी, सिमिलरली हम क्या करेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो मी। हाइड हो गया, शो। ओके, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें बस ये इसकी
डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। ओके, अब ये सब था हमारा बेसिक बिल्कुल। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में ना आ रहा हो तो चिंता मत कीजिए, ये बस एक इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपको सब बताऊंगा कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसका कैसे कैसे यूज़ होता है हमारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।